दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉस्कॉप ब्रांड के हेयर कलर पर। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे कि लॉरियल ब्रांड, वेला ब्रांड, उन पर बहुत सारे थियोरी और प्रैक्टिकल के वीडियो बनाए। आप चाहो तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हो। उस सारे वीडियोस के लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएंगे। यानी मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाई है कलर के ऊपर, आप उन प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। उसमें बहुत सारे अलग अलग वीडियोस है रिगार्डिंग कलर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, याद रखिए, शॉस्कॉप ब्रांड के ही कलर पर। आज मैं आपको शॉस्कॉप ब्रांड के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जैसे कि शॉस्कॉप ब्रांड में क्या क्या टोन्स अवेलेबल है, रिफ्लेक्शंस की अगर बात करो तो रिफ्लेक्शंस कितने अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्शंस है, क्या क्या उसकी फैमिलीज है, क्या क्या उसकी सब फैमिलीज है, मिक्सिंग रेशियो वगैरह, उस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले। तो दोस्तों अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके जरूर काम का होगा, मुझे गारंटी है। ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा और ये आपका काम का भी साबित हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्रेनिंग वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन ये हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप भी जरूर करें और याद रखिए कमेंट्स भी जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज दोस्तों कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों आपको पता है कि ये शॉस्कॉप ब्रांड एक्चुअली बना था 1898 में, और ये बनाया था एक जर्मन केमिस्ट ने जिसका नाम है हैंस शॉस्कॉप। और ये ब्रांड एक्चुअली लॉरियल ब्रांड से भी बहुत पुराना ब्रांड है। आप चाहो तो गूगल पर सर्च कर भी देख सकते हो और मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि लॉरियल ब्रांड कब बना था, यानी किस साल में बना था। और अगर मैं शॉस्कॉप ब्रांड की कलर की बात करूँ तो शॉस्कॉप ब्रांड ने उनका जो फर्स्ट कलर था वो लॉन्च किया था 1960 में इगोरा रॉयल के नाम से, और आज ये कलर या ये ब्रांड आज भी अवेलेबल है मार्केट में। वैसे तो अगर इंडिया के बाहर की बात करूँ, यानी वर्ल्ड लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो शॉस्कॉप ब्रांड में बहुत सारी कलर की फैमिलीज है, लेकिन मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सिर्फ दो ही फैमिली है, दैट इज इगोरा रॉयल, जो आपकी परमानेंट हेयर कलर फैमिली है या जिसे हम एमोनिया बेस्ड कलर फैमिली भी कहते हैं। वैसे ही उनकी दूसरी फैमिली है एसएनसीटी, जो डेमी परमानेंट हेयर कलर फैमिली है या जिसे हम एमोनिया फ्री कलर फैमिली भी कह सकते हैं। और शॉस्कॉप ब्रांड की जितनी भी कलर फैमिली, उसमें सबसे उनकी मेन या हीरो फैमिली है इगोरा रॉयल। इस इगोरा रॉयल फैमिली में बहुत सारे शेड्स भी अवेलेबल है और ये फैमिली सबसे ज्यादा चलने वाली फैमिली है शॉस्कॉप ब्रांड की। वैसे तो इनके शेड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ बात करते हैं बेस शेड्स के और टोन के बारे में। फर्स्ट हम सीखेंगे बेस शेड्स और टोन, वो एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कलर चार्ट हमारे बालों के टोटल 10 अलग अलग लेवल्स होते हैं, यानी एक से लेके 10, जिसमें एक नंबर होता है डार्क, वेरस 10 नंबर होता है लाइट शेड। और ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और इसी को हम कहते हैं बेस कलर्स या बेस शेड्स। तो ये जो बेस शेड्स जनरली हम क्यों यूज करते हैं, ग्रे कवरेज के लिए, यानी हमें ग्रे कवरेज करना है तो मोस्ट केसेस में हम लोग बेस शेड्स का यूज करते हैं। लेकिन ये बेस शेड्स के और भी बहुत सारे यूज है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बेस शेड्स के बाद आपको नेक्स्ट जो चीज समझना है वो समझना है आपको फैशन कलर। ये फैशन कलर क्या होता है दोस्तों, ये फैशन कलर एक्चुअली बेस और रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी इसमें बेस भी होता है और रिफ्लेक्शन या टोन भी होता है। अब बात आती है रिफ्लेक्शन या टोन एग्जैक्टली क्या होता है। एक्चुअली रिफ्लेक्शन जो होता है या टोन जो होता है ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि वॉलेट रिफ्लेक्शन या वॉलेट टोन, रेड टोन, गोल्ड टोन, एश टोन वगैरह, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टोन्स अवेलेबल है जो बेस के साथ मिक्स किए जाते हैं और जिससे आपका बनता है फैशन कलर। यानी कलर की अगर बात करूँ तो मैं कलर को दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, और भी बहुत सारी कैटेगरी, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखिए दो मेन कैटेगरीज है, दैट इज बेस शेड्स जिसमें आपको एक से 10 नंबर तक कलर मिलेंगे, और दूसरा जो होता है वो होता है फैशन कलर, जो आपका बेस और रिफ्लेक्शन या टोन का कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे मैं अगेन बात करता हूँ टोन्स की। तो टोन्स अलग अलग ब्रांड में अलग अलग टोन्स है, जैसे कि लॉरियल के टोन्स अलग है, वेला के टोन्स अलग है, वैसे ही शॉस्कॉप ब्रांड के भी टोन्स अलग है। तो शॉस्कॉप ब्रांड में टोटल 10 अलग अलग टोन्स है 0 से लेके 9 तक। तो पहले हम इन टोन्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये टोन्स क्या क्या है और उनके क्या नाम है या इनमें क्या क्या कलर्स है।
तो स्टार्ट करते हैं टोन नंबर वन से, सॉरी तो स्टार्ट करते हैं टोन नंबर जीरो से। जो टोन आपका जीरो जो होता है, इसे हम कहते हैं नेचुरल टोन, जो आपके प्राइमरी तीनों प्राइमरी कलर से बनता है। वैसे नेक्स्ट टोन जो है ना, नंबर वन टोन जो है वो है आपका सॉन्ड्रे टोन, जो आपका ब्लू और वॉलेट से बनता है। उसके बाद आता है दो नंबर का टोन, जो आपका जिसे हम कहते हैं एश टोन। ये एश आपका ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट है टोन नंबर थ्री, यानी टोन थ्री, ये आपका है मैट टोन, जो आपका ग्रीन कलर से बनता है। वैसे उसके बाद जो फोर्थ टोन है वो है आपका बेज टोन, जो आपका ब्लू सॉरी येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसी तरह जो फिफ्थ टोन है वो आपका है गोल्ड टोन, जो सिर्फ और सिर्फ येलो कलर से बनता है। उसके बाद है आपका सिक्स टोन, यानी छह नंबर का टोन, जो है आपका चॉकलेट टोन, इसे हम ब्राउन टोन भी कहते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है सेवन नंबर का टोन, जो है आपका कॉपर टोन। और आपको पता ही होगा कॉपर ये आपके येलो और रेड के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसके बाद आता है आपका रेड टोन, तो रेड टोन तो आपको पता ही होगा ये रेड कलर से ही बनेगा। वैसे ही लास्ट और फाइनल टोन जो है वो आपका नाइन नंबर का है, जिसे हम वॉलेट टोन कहते हैं, जो आपके रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनता है। सो फ्रेंड्स, ये थे टोटल 10 अलग अलग टोन्स जो आपको शॉस्कॉफ ब्रांड के कलर में मिलेंगे। आई होप आपको ये टोन्स अब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो प्लीज दोस्तों नीचे कमेंट्स करके बताइए कि ये शॉस्कॉफ ब्रांड्स के टोन हमें समझ में आ गए। तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आपको जो मैं सिखा रहा हो या जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको एटलीस्ट समझ में आ रहा है या नहीं। अब ये टोन से ये फैशन कलर के साथ कैसे होते हैं, यानी किस तरह से यूज होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई भी फैशन कलर बेस कलर लेते हैं, सॉरी बेस कलर आपके एक से दस नंबर तक होते हैं। और जो फैशन टोन्स होते हैं या फैशन कलर होते हैं, ये आपके फैशन कलर बेस कलर से और आपके टोन या रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कलर लेता हूँ 5-7, तो इसमें आपका होता है 5 बेस और 7 होता है आपका रिफ्लेक्शन। तो बीच में आपको जो डैश दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सेपरेटर। तो लॉरेल ब्रांड में वो सेपरेटर हम यूज करते हैं डॉट, जैसे कि 5.6, तो यहाँ पर डॉट जो होता है ये लॉरेल ब्रांड में यूज होता है। वैसे अगर मैं कलर लेता हूँ 9-7, तो वो वेला में होता है। तो वेला में कैसे किया है, उन्हें 9 के बाद जो स्ट्रोक यूज किया है उसे हम कहते हैं सेपरेटर, उसके बाद रिफ्लेक्शन। यानी अलग अलग ब्रांड्स ने अलग अलग सेपरेटर यूज किया है बेस को और रिफ्लेक्शन को या टोन को अलग करने के लिए। तो शॉस्कॉफ ब्रांड ने जो सेपरेटर यूज किया है उसे हम कहते हैं डैश। जैसे मैंने कहा 5-7, तो डैश क्या हो गया कि पहले वाला जो होता है ये आपका बेस होता है, और डैश के बाद वाला जो होता है ये आपका टोन या रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा कलर 5-7, तो इसमें 5 हो गया आपका बेस कलर, दैट इज लाइट ब्राउन, और डैश के बाद आपका होता है 7, दैट इज कॉपर रिफ्लेक्शन। तो इस कलर को हम उल्टा पढ़ेंगे, यानी कॉपर लाइट ब्राउन। वैसे अगर मैं कलर लेता हूँ 4-8, तो यहाँ पर 4 आपका हो गया बेस, दैट इज मीडियम ब्राउन, और 8 हो गया आपका रेड रिफ्लेक्शन, तो इसे हम रीड करेंगे रेडिश ब्राउन। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आपको कलर को भी किस तरह से, फैशन कलर अगर मैं लेता हूँ या कोई भी लॉरेल की फैशन सॉरी शॉस्कॉफ की फैशन कलर की ट्यूब लेता हूँ, तो उसको किस तरह से आपको रीड करना है ये पता चल गया। फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ या कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जिसके आंसर आपको नीचे कमेंट्स करके बताने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कलर लिया 7-2, तो आपको नीचे बताना है कि ये 7-2 एग्जैक्टली क्या है, ऐसे हम कैसे रीड करेंगे। वैसे मैं लेता हूँ 6-9, तो इसको भी आपको नीचे कमेंट्स में बताना है कि ये 6-9 का मतलब क्या होगा। चलो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ 5-6, आपको इसे रीड करना है और नीचे कमेंट्स में बताना है। टोटल मैंने आपको 3 सम्स दिए या 3 क्वेश्चंस दिए, जिसके आंसर आपको नीचे कमेंट्स करके बताने। तो प्लीज दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो नीचे जरूर कमेंट्स करके बताएं, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सही है या गलत है, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो रिफ्लेक्शंस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्शन में बहुत अलग अलग टाइप्स के रिफ्लेक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर मैंने जैसे कलर शेड लिया 5-7, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 7 ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन ये रिफ्लेक्शन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल रिफ्लेक्शन, यानी आपका रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही नंबर से होता है, जैसे मैंने बताया 5-7।
तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कितना है, एक ही, दैट इज 7। वैसे ही आप एक एग्जांपल दूसरा टाइप का जो रिफ्लेक्शन है वो है सेकेंड, अपना मल्टी रिफ्लेक्शन, यानी एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ 7-65, तो यहाँ पर 6 और 5 दो अलग अलग या एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन है, तो इसे हम कहते हैं मल्टी रिफ्लेक्शन। पहला हम लोगों ने देखा सिंगल रिफ्लेक्शन, उसके बाद ये जो सेकेंड है ये है आपका मल्टी रिफ्लेक्शन, जिसमें हम एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। वैसे ही थर्ड जो रिफ्लेक्शन आता है उसे कहते हैं इंटेंस रिफ्लेक्शन, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन दो बार आता है, एक नंबर आपका दो बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल 6-99, तो यहाँ पर 9 दो बार है, तो इसे हम कहते हैं इंटेंस रिफ्लेक्शन, यानी इसमें आपकी रिफ्लेक्शन की जो पावर होती है ये थोड़ी सी ज्यादा या इंटेंस होती है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में मैंने बताया कि ये अलग अलग शॉस्कॉफ ब्रांड के क्या क्या रिफ्लेक्शन है, यानी 0 से लेके 9 तक क्या क्या रिफ्लेक्शन है, इनके नाम देखिए, ये किन कलर से बने हैं और ये किस टाइप के कूल, किसमें से कौन से रिफ्लेक्शन कूल है और कौन से रिफ्लेक्शन वार्म है, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट चार्ट को, इस चार्ट में हमें बताया कितने अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्शन अवेलेबल है, जिसमें से पहला है सिंगल रिफ्लेक्शन, उसके बाद है आपका मल्टी रिफ्लेक्शन, उसके बाद है आपका थर्ड इंटेंस रिफ्लेक्शन। आई होप दोस्तों आपको ये रिफ्लेक्शंस भी क्या है, कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शंस है, ये भी अब अच्छी तरह पता चल गए होंगे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं वो है कलर फैमिली की तरफ, यानी शॉस्कॉफ ब्रांड में जो इगोरा रॉयल फैमिली है इसके अंदर कितनी अलग अलग सब फैमिलीज है, उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों शॉस्कॉफ ब्रांड की जो इगोरा रॉयल फैमिली है इसमें टोटल 8 अलग अलग सब फैमिलीज है, और इस चार्ट को देखिए, इसमें आपको ये चारों, सॉरी ये 8 फैमिलीज के नाम मैंने दिए, जिसमें से एक है नेचुरल शेड्स, दूसरी सब फैमिली है नेचुरल एक्सट्रैक्ट शेड, उसके बाद है बूस्टर, उसके बाद है न्यूट्रलाइजर, उसके बाद है एक्सट्रैक्ट, उसके बाद है हाई लिफ्ट कलर्स, उसके बाद है फैशन लाइट कलर, और फाइनली एब्सोल्यूट फैमिली, ऐसी 8 अलग अलग सब फैमिलीज है। इसमें से एक्सट्रैक्ट जो फैमिली है और जो एब्सोल्यूट फैमिली, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करते हैं ये बाकी जो बची हुई फैमिली उन पर थोड़ा सा एक या उनका एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि शॉस्कॉफ ब्रांड में ये अलग अलग सब फैमिलीज का क्या यूज है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो फर्स्ट सब फैमिली है वो है नेचुरल शेड। ये नेचुरल शेड्स बेसिकली आपके 100% ग्रे कवरेज करती है अप टू लेवल 9 तक, और उसके अंदर हल्के से टोन्स भी है, जैसे कि उसमें नेचुरल टोन भी है, उसमें सॉन्डे टोन भी है, और उसमें थोड़ा सा बेज टोन भी है, और ये लॉन्ग लास्टिंग कलर भी है, और जैसे मैंने कहा ये आपको 100% ग्रे कवरेज करता है, यानी अगर आपको बेज शेड के साथ काम करना है तो वो नेचुरल शेड्स के अंदर आते हैं। वैसे ही उसके बाद जो नेक्स्ट फैमिली है वो है नेचुरल एक्सट्रैक्ट शेड। ये इसके अंदर अगर आपको मैं टोन की बात करूँ तो इसमें आपको नेचुरल टोन दो बार मिलेगा, यानी जिस क्लाइंट के बाल बहुत थिक है या बहुत जिद्दी बाल है और उसमें ग्रे कवरेज कम से कम होता है, उस केस में आप ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट शेड यूज कर सकते हो। वैसे ही फैशन लाइट जो फैमिली, ये आपकी एक्चुअली हाई लिफ्टिंग फैमिली है जो आपको 5 लेवल तक लिफ्टिंग भी देती है, और विदाउट प्री लाइटनर अगर आपको कलर करना है तो उस केस में भी आप ये कलर को यूज कर सकते हो। वैसे इसके बाद जो नेक्स्ट फैमिली है वो है हाई लिफ्ट शेड्स, जो आपको 4-5 लेवल है, जो 12 सीरीज के कलर आते हैं शॉस्कॉफ ब्रांड के, वो इस कैटेगरी में आते हैं, और इनका रिजल्ट भी काफी हद तक अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे इनका जो मिक्सिंग रेशियो है वो है 1:2, बाकी सारे शेड्स के साथ हम लोग जो रेशियो यूज करते हैं वो है 1:1। नेक्स्ट ये फैमिली एक थोड़ा सा ओवरव्यू में हम लोग एब्सोल्यूट फैमिली को भी देख लेते हैं। ये भी आपके 100% ग्रे कवरेज करती है विद द हेल्प ऑफ फैशन शेड, यानी आपको यहाँ पर कोई भी बेस और फैशन शेड के कॉम्बिनेशन मिक्स नहीं करना, ये आपको रेडीमेड फार्मूला मिल जाता है ग्रे कवरेज के लिए। वैसे ही इनकी और भी फैमिलीज है, जैसे कि एक्सट्रैक्ट फैमिली, जो हमें एक लेवल लिफ्ट करने का भी हेल्प करती है या एक लेवल डाउन करने के लिए हेल्प भी करती है, जिसमें बहुत लाइट कलर्स यूज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऐश कलर आपको इस पेस्टल फैमिली में मिल जाएगा। ये कलर थोड़े से ट्रांसलूसेंट कलर है और इनका भी मिक्सिंग रेशियो 1:1 है,
यानी शॉस्कॉफ ब्रांड की अगर हम लोग मिक्सिंग रेशियो की बात करें तो मिक्सिंग रेशियो शॉस्कॉफ ब्रांड में दो अलग अलग मिक्सिंग रेशियो है, दैट इज 1:1। आपके जो रेगुलर जितने भी शेड्स है ये 1:1 रेशियो में यूज किए जाते हैं, यानी उसमें आपका डेवलपर का कलर का जो मिक्सिंग रेशियो होता है 1:1 होता है। लेकिन इनकी जो हाई लिफ्टिंग कलर्स है, दैट इज 12 सीरीज के कलर, उनका जो मिक्सिंग रेशियो है वो है 1:2। यानी अगर मैं 1 ग्राम कलर लेता हूँ तो उस केस में आपको उसमें 2 ग्राम डेवलपर मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे शॉस्कॉफ ब्रांड की कलर फैमिलीज के बारे में। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए कि इस फैमिली के हर एक फैमिली के क्या फंक्शन है, क्या यूज है, कैसे यूज करना है वगैरह वगैरह, और डिटेल जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें। एटलीस्ट मुझे 50-100 लोग अगर कमेंट्स करते हैं तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें, अगर आप कमेंट्स करते हो तो ही मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसे लगा वो भी आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो मुझे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।